वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, 3 अक्टूबर को पेपर होने वाला है UPPSC, जो 3000 प्लस पोस्ट थी, आपके एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो रहे हैं, आप लोग डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे UPPSC के पुराने पेपर के क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका जो पेपर आने वाला है, लास्ट प्रीवियस पेपर को हम देखें, 2015 और 2017 का पेपर देखते हैं, तो जो क्वेश्चन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन मिला के टोटल 170 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आपके अपकमिंग टाइम में भी हो सकता है उसी टाइप का पैटर्न रहे, बट इस बार आपका जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था तो आपको ऑफलाइन पेपर हुआ था, इस बार ऑनलाइन CVT बेस्ड पेपर होने वाला है आपका, तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी रखनी चाहिए। लास्ट कुछ दिनों से यदि बात की जाए तो हमारे इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मैं और मेरी पूरी फैमिली सभी हॉस्पिटलाइज थे इसलिए। बट अभी कोशिश की जाएगी कि कंटिन्यू आपके जो एग्ज़ाम के लिए 4 से 5 दिन का टाइम बचा हुआ है, उसमें आपके डेली एटलीस्ट दो दो सेशन तक हैं जो रखे जाएँ, जिससे आपका जो लास्ट में हम क्वेश्चन आप तक नहीं पहुंचा पाए वो पहुँचा दिए जाएँ। तो एक क्वेश्चन आपको भी दिया जाएगा लास्ट में वीडियो के, एंड तक ज़रूर बने रहें। जो भी लोग नए हो चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। और आज जिनका इंदौर GMC के पेपर की ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो जिन भी लोगों ने दी, इनकेस पेपर दिया हो आपके पास आंसर की हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिससे अपकमिंग टाइम में जो भी कैंडिडेट पेपर देंगे उनके लिए वो हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडीशन इन विच प्लेसेंटा डायरेक्टली अटैच टू द मायोमेट्रियम। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा क्या है, सीधा मायोमेट्रियम से अटैच होगा। ऑप्शन में प्लेसेंटा असर्टा, प्लेसेंटा प्रीविया, बिलामेंटस इंसर्शन या फिर बैटलडोर प्लेसेंटा। तो यहाँ पर सभी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन में है जिसमें प्लेसेंटा सीधा मायोमेट्रियम से अटैच होगा। तो वो कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा डायरेक्टली मायोमेट्रियम से अटैच होगा वो प्लेसेंटा असर्टा। कौन सी कंडीशन है, प्लेसेंटा एक्रेटा में क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है वो क्या होगा, यूट्राइन वॉल से अटैच ना होकर सीधे डायरेक्ट मायोमेट्रियम से अटैच होगा। तो ये भी एक क्या हो गई, कंडीशन हो गई, एबनॉर्मलिटी हो गई, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी इसको हम कह सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि जब प्लेसेंटा क्या हो जाए, सीधा किससे, जो सर्वाइकल ओस है उसको पूरा कवर कर ले, वो कंडीशन किस में आएगी, प्लेसेंटा प्रीविया में। व्हेन द प्लेसेंटा कवर्स द ओपनिंग इन द मदर सर्विक्स, जनरली सर्विक्स को कवर नहीं करता प्लेसेंटा, बट इस केस में करता है। तो उसमें फिर अलग अलग ग्रेड भी हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से। और फिर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है क्या है, बिलामेंटस इंसर्शन। यहाँ पर आपको ये सभी चीज़ इसलिए बताई जा रही हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया पूछे, एसर्टा पूछे कि बैटलडोर प्लेसेंटा पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि गायनेक से अच्छे अच्छे घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर यदि आपको पूछते हैं बिलामेंटस इंसर्शन में, तो क्या होगा कि जो प्लेसेंटा है, जो पूरी अम्ब्लाइकल कॉर्ड रहेगी वो क्या होगी, प्लेसेंटा को चारों तरफ से कवर करेगी, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल के जो पूरी अम्ब्लाइकल कॉर्ड है वो क्या होगी, प्लेसेंटा को कवर करेगी इंस्टीड ऑफ सेंट्रल मास। एंड जो यहाँ पर थर्ड लास्ट ऑप्शन है बैटलडोर प्लेसेंटा, तो बैटलडोर प्लेसेंटा में अम्ब्लाइकल कॉर्ड क्या होगी, प्लेसेंटल मार्जिन से अटैच ना हो के डायरेक्ट अंदर की तरफ इंसर्ट होगी। तो ये सभी क्या हो गई, एबनॉर्मलिटीज हो गई प्लेसेंटा की। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो क्या है, प्लेसेंटा असर्टा। और यहाँ पर जो पार्शियली और कम्प्लीटली कवर करेगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट को क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया, यहाँ पे इमेज दी हुई है। नेक्स्ट इज, इन फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूड। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूड को लेके कौन सा पॉइंट है जो सही नहीं है। ऑप्शन में है स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट 1.010, नियर टर्म इट्स कलर रेड, इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर, एट टर्म इट्स मेजर अबाउट 600 to 700 ml। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होगा, आपको बताना है कि एमनियोटिक फ्लूड को लेके पॉइंट सही नहीं है।
ऑप्शन में है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई गई है वो बिल्कुल सही है। अल्कलाइन नेचर का होता है एमनियोटिक फ्लूड। और टर्म प्लेसेंट, टर्म का मतलब है कि जब 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हो जाते हैं तो उस टाइम पर जो एमनियोटिक फ्लूड का लेवल होता है वो कितना होता है, 600 से 700 ml, कितना होगा 600 से 700 ml। तो यहाँ पर जब प्लेसेंटा सॉरी जो एमनियोटिक फ्लूड है, तो नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूड का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, स्ट्रॉ एंड कलरलेस रहता है जनरली। बट यहाँ पर पूछा है कि सही नहीं है तो वो क्या है, नियर टर्म इट्स कलर इज रेड। तो एमनियोटिक फ्लूड का कलर है जो लाल और रेड कभी नहीं होता। रेड जब होगा जब कोई हेमरेजिक कंडीशन हुई हो, इंटरनल हेमरेजिक कंडीशन हुई हो, उस केस में एमनियोटिक फ्लूड का कलर रेड हो सकता है, बट नॉर्मली नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड, नियर टर्म इट्स कलर इज रेड। यदि ग्रीनिश टाइप से कलर होता है दैट मीन्स क्या है, मेकोनियम स्टेन प्रेजेंट है यहाँ पर, ये देखिए। और कुछ अलग अलग कंडीशन भी होती हैं कि यहाँ पे पूछा एमनियोटिक फ्लूड के क्या फीचर स्टेटमेंट नहीं है, तो वो हो गया कि कलर रेड नहीं होता है। बट यदि पूछते हैं कि एमनियोटिक फ्लूड कितना होना चाहिए, तो ये नॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी कब कंसीडर की जाएगी, तो नॉर्मली 600 से 700 ml कंसीडर किया गया है। बट यदि यही एमनियोटिक फ्लूड लेस देन 5 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स चेक किया जाता है, AFI जो चेक किया जाता है, तो एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स है जो यदि लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है, या फिर डीपेस्ट वर्टिकल पूल होता है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर हो जाए, तब एक कंडीशन किस में आएगी, ओलिगोहाइड्रोमनियास, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूड कम है। पॉलीहाइड्रोमनियास में क्या आएगा कि जो AFI लेवल है कितना हो जाए, 2000 ml से भी ज़्यादा यदि एमनियोटिक फ्लूड हो जाता है, जो एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है, तब एक कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीहाइड्रोमनिया। सो जो डीपेस्ट वर्टिकल पूल है कितना हो जाएगा, मोर देन 8 सेंटीमीटर। तो जो नॉर्मली 5 तक होना चाहिए, बट यदि इनके से क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, तो ओलिगोहाइड्रोमनियास की कंडीशन होगी, जब कम होगा, और ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमनियास। और जब बात एमनियोटिक फ्लूड के कलर की जाती है, तो नॉर्मली है जो कलरलेस होता है एमनियोटिक फ्लूड, बट इनकेस एमनियोटिक फ्लूड में कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं, तो आपको पता चलेगा कि बेबी को भी कुछ प्रॉब्लम रही हो। यदि एमनियोटिक फ्लूड ग्रीन कलर का होता है दैट मीन्स क्या है, मेकोनियम स्टेन प्रेजेंट है, और बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि एमनियोटिक फ्लूड गोल्डन कलर का है, मतलब कि RH इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट है, ग्रीनिश येलो है, मींस पोस्ट मैच्योरिटी बेबी आफ्टर 42 वीक के बाद डिलीवर हुआ है, तो हो सकता है एमनियोटिक फ्लूड का कलर कैसा हो, ग्रीनिश येलो हो, डार्क कंसील रेड कलर में हो, मतलब कि हेमरेज कंडीशन हुई हो तब हो सकता है, डार्क ब्राउन हो, या फिर टोबैको जूस टाइप का हो, तो इंट्रायूटराइन डेथ, फीटस की जो बेबी की डेथ है वो यूट्रस में ही हो गई है, तो वो IUD की कंडीशन का बेबी होगा। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूड के कलर को लेके क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में आता है, बट इनकेस आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन इज। तो जो ह्यूमन किडनी स्टोन की कंडीशन होती है, किडनी स्टोन जिसको हम कहते हैं, तो कौन सा कंपाउंड है जो मेजरली पाया जाता है। तो किडनी स्टोन यदि होता है, तो किडनी स्टोन में कौन सा है जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल कंपाउंड हो सकता है। ऑप्शन में है कैल्शियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट। तो जो रीनल स्टोन या फिर किडनी स्टोन को क्या कहा जाता है, यूरोलिथियासिस कह सकते हैं, हम रीनल कैलकुलाई कह सकते हैं, या फिर नेफ्रोलिथियासिस। तो यहाँ पर जो ह्यूमन किडनी स्टोन है, तो सबसे ज़्यादा क्या केमिकल कंपोनेंट होता है, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। यहाँ पे अलग अलग 5 टाइप के रीनल स्टोन होते हैं, या फिर यूरोलिथियासिस या फिर नेफ्रोलिथियासिस। तो इसमें सबसे ज़्यादा है जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का फॉर्मेशन होता है। कुछ कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन के थ्रू भी जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्मअप हुए हैं, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन हुए हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, बॉडी से फ्लश आउट करवा देते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, यदि स्टोन बड़े हैं तो उस केस में सर्जरी करके इनको रिमूव किया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा रीनल स्टोन होते हैं 59%, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के डिपॉजिट होने के कारण होते हैं।
देन आता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, थर्ड वन इज यूरिक एसिड स्टोन, फोर्थ इज स्ट्रूटे और इन्फेक्शियस स्टोन किसी इन्फेक्शन के कारण हुए हो, लास्ट आता है सिस्टीन एंड अदर स्टोन। सिस्टीन और अदर टाइप के स्टोन ओनली 2% चांस होते हैं। तो यहाँ पर किडनी स्टोन को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलिथियासिस। यदि गॉल ब्लैडर स्टोन पूछे जाते हैं तो कॉलीलिथियासिस। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यदि किडनी स्टोन पूछा जाता है रीनल कैलकुलाई तो नेफ्रोलिथियासिस। सबसे ज़्यादा जो किडनी स्टोन होते हैं वो किसके कारण होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। सेकेंड नंबर पर आता है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट इज डार्कनिंग ऑफ द स्किन ओवर द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज और चीक्स बॉन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर फोरहेड मतलब कि जो आपका माथा है, नाक के यहाँ पर, नोज ब्रिज पर, दोनों चीक्स बोन पर और आपके गालों पर प्रेगनेंसी में कुछ डार्कनिंग देखने को मिलेगी तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन में है कोलाज्मा, मेलाज्मा, सॉरी कोलाज्मा, हैगर साइन, चैडविक साइन या फिर क्विकनिंग। तो यहाँ पर फोरहेड पर कहा है कि नोज के ब्रिज पर, फोरहेड पर, चीक्स बोन पर कुछ डार्कनिंग देखने को मिलती है तो ये क्या है, यह कोलाज्मा। यदि प्रेगनेंसी में है, देखिए यहाँ पर यदि ये प्रेगनेंसी में हुए हैं तो ये कोलाज्मा, यदि ये नॉर्मल कंडीशन में है विदाउट प्रेगनेंसी के, किसी भी लेडी को हो सकते हैं, किसी भी मेल को हो सकते हैं, फीमेल को, जनरली फीमेल्स में होते हैं, तब इनको मेलाज्मा कहा जाता है। चीज़ आप याद रखें, यदि प्रेगनेंसी में पूछते हैं तो कोलाज्मा है, और इन जिनको प्रेगनेंसी फेस मास्क भी कहा जाता है, कोलाज्मा को क्या कहा जाता है, प्रेगनेंसी फेस मास्क, तो ये नॉर्मली प्रेगनेंसी में तो हो ही सकते हैं, बट इनकेस आप प्रेग्नेंट नहीं हो तब आपको होते हैं, तब टर्म यूज़ किया जाता है मेलाज्मा। हैगर साइन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी में नॉन सेंसिटिव इंडिकेशन एक तरीके का है, जिसको हम गॉर्डल, अलग अलग टाइप के साइन होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हैगर साइन, जो कि जनरली 8 वीक की प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट पार्ट है वहाँ पर सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी। गॉर्डेल साइन का मतलब होता है, यहाँ पर ये भी एक दूसरा साइन है जो कि 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज अ गॉर्डेल साइन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इट्स अ हैगर साइन। इन क्विकनिंग मीन्स होता है जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है मदर को, वो क्या कहलाता है, क्विकनिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम जाते हैं तो क्या होगा, कोलाज्मा। और जो यहाँ पर पूछा गया है चैडविक साइन है, तो क्या है, डार्क ब्लूइश और पर्पल कलर का होना किसका, सर्विक्स का, वुल्वा और वजाइना का। तो यहाँ पे आपको सभी टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, एग्जाम में आपकी पूछी जा सकती है, और ये अर्ली साइन है प्रेगनेंसी के सभी, हैगर्स, कोलाज्मा, चैडविक एंड क्विकनिंग, ये स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज कंटेंट कंपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव दैट शोन इन इमेज, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर जो एक इमेज दिख रही है आपके लिए, इसमें आपको बताना है कि जो कंटेंट है वो क्या क्या है, तो उसमें क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो यहाँ पे आपको इनका कंपोजिशन है जो बताना है। ऑप्शन में 15 mcg, 30 mcg, 30 mcg, 150 mcg, 150 mcg, 30 mcg या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव इमेज में दिख रही है, तो इसमें टोटल 28 पिल्स होती हैं, जिसमें से 21 हार्मोनल पिल्स हैं और 7 क्या हैं, आयरन की पिल्स होती हैं इसमें। तो टोटल जो 28 पिल्स हैं यहाँ पर, तो इनमें आपको बताना है इनका कंपोजिशन क्या है, एस्ट्रोजन कितना होता है, प्रोजेस्टेरोन कितना होता है। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कंपोजिशन पूछा है वो होता है 30 mcg एस्ट्रोजन एंड 150 mcg प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या है, माला डी की इमेज दी हुई है यहाँ पर, माला डी जो कि लेवनोजेस्ट्रोल एंड एथेनॉइल एस्ट्रॉइडल टैबलेट्स कहलाती हैं, जिसमें फेरस फ्यूमरेट होती हैं साथ में, 7 टैबलेट, टोटल 28 टैबलेट होती हैं इस स्ट्रिप में, जिसमें से 21 हार्मोनल हैं, 7 क्या हैं, आयरन की पिल्स होती हैं, जिसमें फेरस फ्यूमरेट होता है। और यहाँ पर कंपोजिशन की बात आती है तो 30 mcg क्या है इसमें, एस्ट्रोजन एंड 150 mcg प्रोजेस्टेरोन। जब यहाँ पर बात की जा रही है तो इसमें जो पिल्स होती हैं
चाहे माला डी ले लो या फिर माला एन ले लो, तो इनमें एक माइनर सा ही डिफरेंस होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। तो ये दोनों ही डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दी जाने वाली टैबलेट है, जो कि लो डोज ओरल पिल्स आती हैं, ब्रांड नेम है माला डी और माला एन, दो नाम से आती हैं, जिसमें लेवोनोजेस्टोल 0.15 mg एंड एथेनॉयल एस्ट्रॉइडल कितना होता है 0.03 mg, मतलब कि जो एथेनॉयल एस्ट्रॉइडल है 30 mcg या फिर 0.03 mg रहेगा, और जो लेवोनोजेस्टोल है यहाँ पर एस्ट्रोजन है वो कितना होता है 0.15 mg, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और इसमें टोटल 28 पिल्स रहती हैं, जिसमें से 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और हार्मोनल पिल्स हैं, और सात जो ब्राउन कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की 60 mg फेरस फ्यूमरेट टैबलेट रहती हैं। जो फेरस फ्यूमरेट है इसका यदि कंपोजिशन आता है तो कितना होता है 60 mg, और ये दोनों अवेलेबल रहती हैं। बट जो माला एन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है एज़ कम्पेयर टू माला डी के। माला डी के है जो 3 rupees पर पैकेट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, बट माला एन क्या है फ्री सप्लाई होती है इनकी PSC अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर में। और ये कब स्टार्ट की जाती हैं, तो मेंस्ट्रुएशन के 5th डे से इनको स्टार्ट किया जाता है, एग्ज़ाम में आपको आता है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इनको कब स्टार्ट किया जाना चाहिए 5th डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल पीरियड। एंड यदि इनकेस आपको आता है कि माला डी दी जाती है और माला एन दिया जाता है, इसका एक बेसिक सा डिफरेंस पूछते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो माला डी है इनकी सप्लाई क्या होती है कि इनके लिए चार्जेस पे करना पड़ सकता है 3 rupees पर पैकेट, बट जो माला एन है क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, सेम कंपोजिशन रहता है इनका, केमिकल कंपोनेंट सेम होता है। 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से इनको स्टार्ट करना चाहिए। टोटल 28 टैबलेट होती है, इसमें से 21 क्या है हार्मोनल पिल्स हैं और बाकी रिमेनिंग 7 हैं जो क्या है फेरस फ्यूमरेट की आयरन टैबलेट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट यूज्ड टू प्रिवेंट एक्सेसिव हैमरेज इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा मेजर है जो यूज नहीं किया जाएगा एक्सेसिव हैमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन में है ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन, यूट्राइन मसाज, मिथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एपिजियोटॉमी। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या किया जाता है कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए सभी मेजर्स यूज़ किए जाते हैं, तो कौन सा मेज़र है जो यूज़ नहीं किया जाएगा, तो वो होगा एपिजियोटॉमी, क्योंकि एपिजियोटॉमी सेकेंड स्टेज में परफॉर्म किया जाएगा जब बेबी का हेड क्या हो रहा हो, क्राउनिंग हो गई हो कम्प्लीटली, बेबी का हेड फंस रहा हो, तो उस टाइम पे एपिजियोटॉमी परफॉर्म की जाएगी। वजाइना और एनल एरिया के बीच में कट लगाया जाएगा जिससे बेबी के हेड को ईजिली बाहर निकाला जा सके। बट यहाँ पे पूछा गया है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या नहीं किया जाएगा जिससे ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकें, तो वो है एपिजियोटॉमी। ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, यूट्राइन मसाज दी जाएगी, मिथार्जिन दिया जाएगा, एपिजियोटॉमी नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 4 स्टेज होती हैं लेबर की। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। सेकेंड स्टेज में फुल सर्विक्स डायलेट से लेकर बेबी एक्सपेल्ड आउट होता है। थर्ड स्टेज में बेबी एक्सपेल्ड आउट होने से लेकर प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने तक की स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। तो प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा तो उसी टाइम पर ब्लीडिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पर एपिजियोटॉमी नहीं की जाएगी, जबकि ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, यूट्राइन मसाज दी जाएगी, मैनुअल यूट्राइन मसाज दी जाएगी, और यहाँ पर मिथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। फोर्थ स्टेज होती ऑब्जर्वेशन वाली स्टेज, जिसमें आफ्टर प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होने के बाद मदर और बेबी दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी एपिजियोटॉमी। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ मल्टीपल डिलीवरी विच एक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट बेबी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मल्टीपल डिलीवरी में कौन सा एक्शन है जो ठीक नहीं होगा एक बच्चे के जन्म के बाद। ऑप्शन में मिथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्ड क्लैंपिंग, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एपिजियोटॉमी। तो यहाँ पर कौन सा एक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है ये पूछा गया है। मल्टीपल डिलीवरी है, ऐसा नहीं है कि सिंगल डिलीवरी है, एक बेबी डिलीवर हो चुका है अभी दूसरा होना है। यदि मल्टीपल डिलीवरी है तो सिंगल होता तब बात अलग थी, बट मल्टीपल है तो आपको अलग ऑप्शन चूज़ करना होगा।
तो यहाँ पर है मिथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्ड क्लैंपिंग, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एपिजियोटॉमी। तो सभी चीज़ें की जाएंगी, मिथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि अभी एक ही बेबी डिलीवर हुआ है, हो सकता है एक बेबी और हो या फिर एक से दो हो, तो यहाँ मल्टीपल डिलीवरी कहा गया है। तो ऐसे केस में मिथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन करके हम पीपीएच को है जो ब्लीडिंग है उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि अभी सेकेंड बेबी डिलीवर होगा, प्लेसेंटा डिलीवर होगा, तो ऐसे केस में हमें मिथार्जिन को एडमिनिस्टर नहीं करना है। बाकी हम ऑक्सीटोसिन दे देंगे, जो फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ है उसकी कॉर्ड क्लैंप करेंगे, एपिजियोटॉमी भी की जाएगी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, बट जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा? मिथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज इन अपेंडिसाइटिस, पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस में जो पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, तो किस क्वाड्रेंट में पेन होगा? ऑप्शन में लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट। तो जो पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, मैकबर्नीज पॉइंट जो पेन कहा जाता है अपेंडिसाइटिस में, तो ये कहाँ पर होगा? ये होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। यहाँ पे देखिए, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या फिर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो जो पेन होगा जनरली अपेंडिसाइटिस में कहाँ पर होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। और जो कॉन्स्टिपेशन का पेन है, पेल्विक पेन है और इंग्वाइनल हर्निया का पेन है, ये सभी किस साइड होंगे? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। राइट अपर क्वाड्रेंट में यदि गॉल स्टोन है, स्टमक अल्सर है, फिर पैंक्रीटाइटिस की कंडीशन है, तब राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा पेन। सेंटर में क्या कब होगा? जीआईडी की कंडीशन हो या फिर कुछ इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, तब होगा। लेफ्ट में स्टमक अल्सर है, यदि बाइलरी कोलिक है, किडनी स्टोन है या फिर पेल्विक पेन है, तो ये किसमें आएंगे? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। बट इनके हिसाब से अपेंडिसाइटिस का पेन पूछा जाता है तो ये कहाँ पर होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू नॉट मीटिंग गोल टू अनदर पर्सन और वीकर सब्जेक्ट इज नोन एज। अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालना क्यों? क्योंकि आपको अपना गोल अचीव नहीं हुआ है किसी दूसरे पर्सन के कारण, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन या फिर रिग्रेशन। तो यदि आप अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालते हैं क्यों? क्योंकि आपको अपना वो गोल अचीव नहीं हुआ है, वो किसी दूसरे को मिल गया है, तो ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा डिसप्लेसमेंट, आपकी जगह किसी और को मिल गया है, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? डिसप्लेसमेंट। रिग्रेशन का मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट होना, और यहाँ पर प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि किसी दूसरे पे अपनी गलती को थोपना। नेक्स्ट इज लेरेंजियल एयरवे लोकेशन। लेरेंजियल एयरवे की लोकेशन क्या है? ऑप्शन में ग्लोसाइटिस, सुप्राग्लोटिक रीजन, इनफॉर्मलाइटिस या फिर एंडोट्रेकियल रीजन। तो लेरेंजियल एयरवे की लोकेशन होती है सुप्राग्लोटिक रीजन। यहीं पे देखिए, लेरेंजियल एयरवे या फिर वोकल कॉर्ड या फिर साउंड बॉक्स, तो ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है सुप्राग्लोटिक रीजन में। नेक्स्ट इज गैसियस एनेस्थेटिक इज, तो इनमें से गैसियस एनेस्थीसिया कौन सा है? ऑप्शन में पेंटोथेल, कीटामाइन, प्रोपोफोल या फिर आइसोफ्लोरिन। तो गैसियस एज इन गैसियस एनेस्थेटिक के तौर पर काम करेगा वो होगा आइसोफ्लोरिन। जनरली जो है नाइट्रस ऑक्साइड और कुछ वोलेटाइल फ्लोरिनेटेड लिक्विड होते हैं, इनको जिन गैसियस एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ किया जाता है, जो कि सिंगल डोज के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, बट यहाँ पर मोस्टली यूज़ किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद आता है आइसोफ्लोरिन, डेसफ्लोरिन या फिर सेवोफ्लोरिन। तो एक स्पेसिफिक वेपोराइजर के तौर पर ही यूज़ किए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आइसोफ्लोरिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टुगेदर विथ अदर एनेस्थेटिक एजेंट। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जिसको किसी दूसरी मेडिसिन के साथ एज एन एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में फेंटानाइल, एट्रोपिन, फिनोबारबिटोन या फिर फेनिटोइन। दैट मीन्स कि ये मेडिसिन है, सिंगल अकेले यूज नहीं की जाती, इसको किसी दूसरी मेडिसिन के साथ यूज़ किया जाता है, और एज एन एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाएगा, तो क्या होगा? फेंटानाइल।
फेंटनाइल क्या है? एक पावरफुल ओपियोइड्स है जो कि पेन मेडिकेशन के तौर पर किसी दूसरी मेडिसिन के साथ मिलके एज एन एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट का काम करेगी। तो इसका यूज़ एक रिक्रेशनल ड्रग के तौर पर भी किया जाता है, जिसको हीरोइन मेथामफेटामाइन या फिर कोकीन अदर के साथ किया जाता है, जो कि अदर मेडिसिन का क्या करेगी, इफेक्ट कम करती है। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको यही याद रखना है कि जो फेंटानाइल है एक पावरफुल ओपियोइड्स, इसका यूज़ किसी अदर मेडिसिन के साथ मिला के एज एन एनेस्थीसिया के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज लैक्टेशन एक्ट्स एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लैक्टेटिंग मदर हाउ मैनी डेज। तो लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड आपने पढ़ा होगा, तो ये सेम है कि लैक्टेशन है जो ब्रेस्ट फीडिंग है, कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग होती है, एक्चुअली जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, तो मदर में कितने दिनों तक के लिए एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगी? ऑप्शन में 42 डेज, 60 डेज, 75 डेज या फिर 90 डेज। तो यहाँ पर एज एन कॉन्ट्रासेप्टिव का काम यदि लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड है यूज़ की जाती है, तो बेबी यदि 90 डेज तक, एटलीस्ट 90 दिनों तक ये क्या करेगी, एज एन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर काम करेगी। बट इसकी जो एफिकेसी है वो 100% श्योरिटी है जो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब मेनली कुछ ऐसी मेथड हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं कि 95% श्योरिटी के साथ रहेंगी, एज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर काम करेंगी, बट लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड को हम कंप्लीट और क्या कह सकते हैं, सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 90 दिनों तक के लिए जो लैक्टेशन है एज एन कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू। तो मसल कोऑर्डिनेशन किसके कारण बिगड़ेगा, किसके डैमेज होने के कारण बिगड़ेगा? ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मिडब्रेन या फिर सेरिवेलम। तो मसल कोऑर्डिनेशन किसके डैमेज होने के कारण होगा, सेरिवेलम के कारण, क्योंकि मसल कोऑर्डिनेशन बॉडी का मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है, सेरिवेलम। नेक्स्ट इज अ वीक पोर्शन ऑफ एन आर्टेरियल वॉल में बल्ज आउट फॉर्मेटिंग अ सैक विच इज नोन एज। तो आर्टेरियल वॉल का कुछ वीक सेक्शन है, जो कमजोर पोर्शन है, वो क्या होता है, बल्ज आउट होता है, और जिसके कारण एक सैक बनता है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में एथरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, एनास्टोमोसिस या फिर आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर कुछ जो आर्टरी है जिनका वीक सेक्शन क्या होता है, बल्ज हो जाएगा किसी दूसरे ऑर्गन के यहाँ पर, और उसके कारण एक सैक का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या कहलाएगा, एन्यूरिज्म। ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल आर्टरी है इस तरीके से होंगी, बट एथेरोस्क्लेरोसिस यदि पूछा जाता है तो इसमें फैट का डिपोजिशन, लिपिड का डिपोजिशन होगा, तो आर्टरी नैरो होगी, हार्ड हो जाएगी। और एन्यूरिज्म में क्या होगा कि जो वीक सेक्शन है आर्टरी का, या किसी दूसरे ऑर्गन के यहाँ पे बल्ज होगा, जिसके कारण बल्जिंग हो रही है, उसके कारण एक सैक का फॉर्मेशन होता है। और जो एनास्टोमोसिस है, इसका मतलब है कि किसी दो ट्यूबुलर ऑर्गन को किसी सर्जरी के द्वारा क्या करना, जोड़ना, अटैच करना, तो क्या एनास्टोमोसिस। जनरली आर्टरी वेन्स इंटेस्टाइन को जोड़ने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड। तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो CSF का सीक्रेशन करता है? ऑप्शन में कोरोइड प्लेक्सेस ऑफ द ब्रेन, वीनस साइनस ऑफ द ब्रेन, सब आर्कनोइड स्पेस या फिर नन ऑफ दी अबव। जो ब्रेन का जो हिस्सा है CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड को सीक्रेट करता है, वो क्या है, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द ब्रेन। और जब यदि CSF लेवल ज़्यादा हो जाता है बॉडी में हमारी, तब ICP बढ़ने लगता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, और जनरली हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में ही CSF का लेवल बढ़ता है, तो उसको VP सेंटिंग के द्वारा बॉडी से उस फ्लूड को बाहर निकाला जाता है। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आप याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकती हैं। और यहाँ पर जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड है, इसको सीक्रेट कौन करता है, कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करेगा? ऑप्शन में ग्लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और इसका परफॉर्म कहाँ पे होता, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए टू टाइप की जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है, एरोबिक और एनोरोबिक। एनोरोबिक में क्या होगा,
जो लैक्टिक एसिड वाले एनिमल्स हैं, ईस्ट होती हैं, वो करती हैं ये वाली एनरोबिक और एरोबिक। जितने भी लाइव ऑर्गन हैं, जीव जंतु हैं, जिसमें CO2 बाहर निकाली जाती है और H2O, तो ये किस में आएंगे? एरोबिक में। और एक कौन कौन करता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ लिवर? लिवर का फंक्शन क्या है? ऑप्शन में है एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंसनट्रेशन ऑफ बाइल, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, या फिर सीक्रेशन ऑफ कोलीसिस्टोकाइनिन। तो यहाँ पर फंक्शन पूछा है लिवर का, तो एलिमिनेशन नहीं करेगा, मेटाबोलिज्म करेगा लिवर। कंसनट्रेशन ऑफ बाइल भी बिल्कुल नहीं करेगा लिवर, ये गॉल ब्लैडर में होगा। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लिवर करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। लिवर जो बाइल का प्रोडक्शन करेगा बट इसको स्टोर करके नहीं रखेगा। तो यहाँ पर और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा, ना कि एलिमिनेट करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट इज, रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो पैंक्रियाटिक जूस है, एक कौन है जो स्टिमुलेट होगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रिलीज होंगे, सीक्रेट होंगे? ऑप्शन में एंटेरोकाइनेज, कॉलीसिस्टोकाइनिन, ट्रिप्सिनोजेन, या फिर सीक्रेटिन। तो पेंक्रियाटिक जूस का स्टिमुलेशन है वो कौन करेगा? कॉलीसिस्टोकाइनिन, जो कि एक एंजाइम है जो कि GI ट्रैक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए सीक्रेट होगा, और ये क्या करेगा? पैंक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस है उनको स्टिमुलेट करने का काम करेगा। तो इसका नाम क्या है? कॉलीसिस्टोकाइनिन, जो कि एक एंजाइम है। नेक्स्ट इज अ ग्लैंड दैट डिसअपियर्स इन द एडल्ट बट इज एक्टिव ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। कौन सी ग्लैंड है जो बूढ़ा एडल्ट एज में क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है बट चाइल्डहुड में एक्टिव रहेगी। ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, एड्रिनल ग्लैंड, या फिर थायमस ग्लैंड। तो जो ग्लैंड है एडल्टहुड में क्या होने लगेगी? धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगी, लुप्त होने लगेगी, बट चाइल्डहुड में क्या रहेगी? एक्टिव रहेगी। तो ये ग्लैंड है थायमस ग्लैंड। क्या है? थायमस ग्लैंड। थायमस ग्लैंड है जो एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जो थायमस ग्लैंड है कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? थायरॉइड ग्लैंड के पास में ये थायमस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। बट जो यहाँ पर थायमस ग्लैंड है, इसका काम क्या होता है कि जो टी सेल्स के डेवलपमेंट और उनके फंक्शनल में हेल्प करना। जो यहाँ पर एक्टिव रहेगी चाइल्डहुड में, तभी आपकी इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो एक इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गन है। तो ये एडल्ट में जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, विलुप्त होती जाएगी आपकी बॉडी में, डिसअपियर होती जाएगी, बट चाइल्डहुड में प्रेजेंट रहेगी, एक्टिव रहेगी। नेक्स्ट इज द ओनली ग्लैंड ऑफ बॉडी विथ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन प्रॉपर्टी। तो कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करेगी? ऑप्शन में लिवर, हाइपोफाइजियल एक्सिस, ओबरी, या फिर पैंक्रियास। तो जो ग्रंथि है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करेगी वो क्या होगी? पैंक्रियास। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है क्या कहलाएगा? ऑप्शन में ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, एपिकल प्रेशर, या फिर लेटरल प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस है कहलाता है पल्स प्रेशर। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पल्स प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को आप घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो पल्स प्रेशर है जो निकल आएगा। बहुत ईजी है, एग्जाम में आपको हो सकता है सिस्टोलिक BP दे दें, डायस्टोलिक दे दें, कहें कि पल्स प्रेशर निकालें, फिर पल्स प्रेशर और SBP दे दें, तो आपसे कहें कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं कि पल्स प्रेशर कैसे निकलेगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस करना है, या फिर डिफरेंस है सिस्टोलिक BP और डायस्टोलिक BP के बीच का पल्स प्रेशर। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक इमेज
कुछ टेबल टाइप से दी हुई है, तो आपको इनके लिए मैच करना है, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर लिस्ट वन में दिया है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम बेसिल या फिर रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस। तो यहाँ पर टिशू दिए हुए हैं कि कौन सा टिशू कहाँ पर प्रेजेंट होता है। लिस्ट सेकंड में दिया है कि रीजन इन्वॉल्व इन रैपिड सेल डिवीजन, डीप रीजन ऑफ द डर्मिस, लेयर ऑफ द डेड सेल्स, ट्रांसल्यूसेंट सेल्स कंटेनिंग द क्रिएटिन। तो कौन से टिशू हैं जो करेक्टली मैच होते हैं यहाँ पर ऑप्शन में ए बी सी डी। तो जो टिशू करेक्टली मैच होंगे यहाँ पर वो क्या हैं, ए का मैच किससे होगा, फोर्थ से, मतलब कि स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहाँ पर है, ट्रांसल्यूसेंट सेल्स कंटेनिंग द क्रिएटिन। एंड जो सेकंड आता है तो बी क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो इसका वो लेयर ऑफ द डेड सेल्स। थर्ड इज स्ट्रेटम बेसिल, तो इसका होगा रीजन इन्वॉल्व इन रैपिड सेल डिवीजन। लास्ट इज डी फोर रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस का क्या होगा, डीप रीजन ऑफ द डर्मिस। तो यहाँ पर सभी को मैच करना है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर सी। जरूरी नहीं इसी टाइप से, हो सकता है आपको बॉडी के अलग अलग जगह के टिशू दिए जाएँ और लोकेशन पूछी जाए कि ये टिशू कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट, एपिडेमिक ड्रॉपसी इज ड्यू टू, एपिडेमिक ड्रॉपसी किसके कारण होगी, ऑप्शन में है सैनगिनेस, बी ओ ए ए, ड्रग इंड्यूस्ड या फिर अर्गोट। तो एपिडेमिक ड्रॉपसी है जो किसके कारण होगी, सैनगिनेस के द्वारा, क्योंकि जो एपिडेमिक ड्रॉपसी एक क्लिनिकल स्टेज है जिसमें किसी भी एडल्ट्रेशन के कारण, कुछ मिलावट के कारण, जैसे कि अर्जियोमिन मेक्सिकाना ऑयल को एडिबल ऑयल्स के साथ मिला के यूज़ किया जाता है, तो जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी, एपिडेमिक ड्रॉपसी। इसमें जनरली जो सैनग्रेनिन एंड डिहाइड्रोसैनग्रेनिन है, दो मेजर टॉक्सिक एल्कलॉइड्स मिलाए जाते हैं अर्जियोमिन ऑयल में, इसके कारण ये कंडीशन होगी। और इसमें जो क्या होगा, कैपिलरी परमेबिलिटी होगी, कैपिलरी डायलिटेशन होगा, साथ ही साथ एक नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर एपिडेमिक ड्रॉपसी इसके कारण होगी, सैनग्रेनिन के द्वारा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेंट द कोबाल्ट, कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, साइनोकोबाल्मिन जो हमने पढ़ा है उसमें प्रेजेंट होता है। इसकी कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज प्रोटीन कंटेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क इज, तो ह्यूमन मिल्क में कितना प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन में 1.1 ग्राम पर 100 ml, 2.1 ग्राम पर 100 ml, 3.1 ग्राम पर 100 ml या फिर 4.1 ग्राम पर 100 ml। तो जो ह्यूमन मिल्क में कंटेंट पूछा है कि प्रोटीन कितना होता है, तो वो होता है 1.1 ग्राम पर 100 ml, 100 ml दूध में 1.1 ग्राम क्या होगा, ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। 65 से 70 किलो कैलोरी है जो मिलेगी पर 100 मिल्क में। देन प्रोटीन का कंपोजिशन कितना होगा, 1.1 ग्राम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स द हाईएस्ट लेवल इज, मास्लो की जो थ्योरी है, अब्राहम मास्लो ने जो थ्योरी दी है हायरार्की नीड्स दी है, तो उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स क्या है, ऑप्शन में फिजियोलॉजिक नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस एंड अफेक्शन या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पूछा है, लोएस्ट लेवल भी पूछ सकते हैं, मिडिल पूछ सकते हैं। तो हाईएस्ट लेवल नीड क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये देखिए यहाँ पर बेसिक में पूछते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी नीड, तब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड आता है सेफ्टी नीड्स, थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंग्स, फोर्थ इज सेल्फ इस्टीम, लास्ट वन एंड हाईएस्ट नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज विथ हाई एसडीआई आर कैटेगराइज्ड एज, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग यदि हाई है जो इंडेक्स 1 से 10 तक जो गिनती होती है, तो उसमें एचडीआई क्या है, ज़्यादा है, तो किस कैटेगरी की कंट्री को सबसे ज़्यादा एचडीआई दिया जाएगा, ऑप्शन में डेवलपिंग, डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप या फिर अंडर डेवलप। तो हाई यदि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, दैट मीन्स कंट्री क्या है, कम्प्लीटली डेवलप्ड है, डेवलपिंग में वहाँ पर डेवलपमेंट होते जा रहा है धीरे धीरे, बट कंप्लीट नहीं है, तब होंगी डेवलपिंग, बट
हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसको दिया जाता है? डेवलप्ड कंट्री को। और जो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कौन देता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो देते हैं इसके लिए। तो इसमें फोर मेजर इंडिकेटर हैं जिसके तौर पर SDI दिया जाता है। हेल्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑफ एजुकेशन, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग। तो आपकी इनकम, स्कूलिंग एंड हेल्थ है जो इसमें कैलकुलेट की जाती है। UNDP फिर अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग, सॉरी अलग अलग जो रैंक आती है प्री ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को रखती है। तो यहाँ पर HDI ज़्यादा किसको दिया जाएगा? जो कंट्री डेवलप्ड है। नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर केमिकल नेम दिए हुए हैं विटामिन के, एंड देन आपको लिस्ट सेकंड से मैच करना है। ऑप्शन में है रेटिनॉल, पेलाग्रा, टोकोफेरॉल, मल्टीपल ब्लीडिंग टेंडरनेस, नियासिन मस्कुलर वीकनेस, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, कैरेटोमलेशिया। सभी को पता है रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी के कारण क्या होगा? कैरेटोमलेशिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, ए का फोर्थ है। रेटिनॉल क्या है? कैरेटोमलेशिया। एंड सेकेंड में आता है टोकोफेरॉल, विटामिन डी है जो। टोकोफेरॉल विटामिन डी किसके लिए ज़रूरत पड़ेगी? मस्कुलर वीकनेस हो सकती है इसके कारण। थर्ड पर आता है नियासिन, तो नियासिन के लिए, नियासिन की कमी के कारण क्या होगा? पेलाग्र। फोर डी है जो डिसीज है, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ, तो क्या है? नियासिन। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होगा? स्कर्वी और मल्टीपल ब्लीडिंग टेंडेंसीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड डेली एनर्जी इनटेक ऑफ एन एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन विथ हैवी वर्क इज। हैवी वर्क यदि कोई वुमेन करती है प्रेगनेंसी में तो उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी डेली? ऑप्शन में है 3200 किलो कैलोरी, 2900 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी, या फिर 2100 किलो कैलोरी। यदि कोई वुमेन नॉर्मली वर्क करती है तब उसको 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी। इन केस वो हैवी वर्क करती है, नॉर्मल कैलोरी में 300 कैलोरी और ऐड करना है, बट वो यदि हैवी वर्क करती है तो 500 किलो कैलोरी तक की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2900 किलो कैलोरी। कितना? 2900 किलो कैलोरी, क्योंकि हैवी वर्क कर रही है प्रेग्नेंट वुमेन इसलिए। नेक्स्ट इज व्हेन परफॉर्मिंग CPR ऑफ एन एडल्ट हाउ डीप शुड द चेस्ट कंप्रेशन बी। CPR यदि किसी पर्सन को हम देते हैं, CPR देते टाइम चेस्ट कंप्रेशन कितना होना चाहिए? ऑप्शन में है 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, या फिर 3 इंच। तो CPR दे रहे हैं जब हम, तो उस टाइम पर जो कंप्रेशन देना है हमें, चेस्ट कंप्रेशन, तो जो डेप्थ होती है या हम हाथ से कंप्रेशन देते हैं तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें रिप्स हैं जो फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चेस्ट कंप्रेशन कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर और 2 इंच। नेक्स्ट, आफ्टर द डॉग बाइट वुंड शुड बी क्लीन विद। तो यदि किसी को कुत्ता काट लेता है, डॉग बाइट हो जाता है, तो सबसे पहले जो वुंड है, घाव है, उसको कैसे क्लीन करेंगे? ऑप्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड, टिंचर आयोडीन, सोप एंड वाटर, या फिर क्लोरीहेक्सीडिन। तो यदि किसी को डॉग बाइट की सिचुएशन होती है, किसी को कुत्ता काट लेता है, डॉग काट लेता है, वाइट कर देता है, तो सबसे पहले आपको वुंड को पानी के नीचे कंटिन्यू टैप ऑन करके वहाँ पर आपको सोप एंड वाटर से क्लीन करना होगा। देन आफ्टर कंटिन्यूसली क्लीन करने के बाद आपको यदि ब्लीडिंग होती है तो उसको कवर करके रखना होगा। तो यहाँ पर फिर अलग अलग कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, तो किससे क्लीन करना है हमें? सोप एंड वाटर से। फिर आती है कैटेगरी की बात, तो कैटेगरी कब कंसिडर किया जाती है? यदि इन्फेक्टेड एनिमल ने क्या किया हो, टच किया हो आपको, थोड़ा बहुत बाइट किया हो, तब आपको ओनली क्लीन करना है। सेकंड में आता है निविंग ऑफ अनकवर्ड स्किन, या फिर माइनर स्क्रैच आ गए, एब्रेशन होगा विदाउट ब्लीडिंग के, ब्लीडिंग नहीं हो रही बट एब्रेशन है, तब हमें वैक्सीनेशन करवाना है और साथ ही साथ लोकल ट्रीटमेंट वुंड देना है। थर्ड में आता है कि यदि सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल वाइट से स्क्रैच है,
तब हमें वैक्सीन करवाना है। यदि लिग्स है, ब्रोकन स्किन हो जाती है, तब हमें रेबीज इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करवाना है। लास्ट में कांटेक्ट विथ एनिमल्स, तो यहाँ पे हमें जिस भी एनिमल ने बाइट किया है तुरंत उसका ट्रीटमेंट लेना होगा। यहाँ पर आपका आंसर है जो कैटेगरी वाइज आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप इनको याद रखें। नेक्स्ट, विच वुड यू डू व्हेन केयरिंग फॉर एपिडेमिक सीजर विक्टम। यदि किसी को सीजर्स आते हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? ऑप्शन में है, रिमूव नियर बाय ऑब्जेक्ट दैट माइट कॉज द इंजरी, प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ रोल्ड अप पीस ऑफ क्लॉथ बिटवीन द विक्टम्स टीथ, ट्राई टू होल्ड द पर्सन स्टिल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यदि किसी को सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, जो आसपास उसके शार्प आइटम्स हैं उनको दूर करना है ताकि इंजरी ना हो सके। क्लॉथ या फिर कुछ कॉटन हमें विक्टम्स के टीथ के बीच में लगाना है ताकि अपनी टंग को बाइट ना कर पाए, और किसी अच्छे पर्सन को वहाँ पर खड़ा रखना है जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब भी जिसको फिट्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, उनको साइड रोल पोजीशन में लेटा देना है हमें, साइड लाइन, जिससे जो झाग आता है मुंह से, थूक आता है, तो वो क्या ना हो, एस्पिरेट ना हो पाए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। गैंग्रीन फूट रिमूवल इज ओटी यूजुअली शेड्यूल्ड। इमेज दी हुई है कि जिसको गैंग्रीन की कंडीशन है, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, क्लोरिस्टिडियम परफ्रिंगस के द्वारा होता है, तो इसके लिए यदि ओटी में उसका पैर या फिर हाथ रिमूव किया जाना है गैंग्रीन फूट का, तो कब ओटी है जो शेड्यूल की जाएगी, एट द एंड, एट द बिगनिंग, एज़ पर कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन, या फिर एज़ पर रोल नंबर ऑफ द टेप। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।